अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तकरीबन टाइम था 9 बजे का, तो 9 बजे से स्टार्ट कर रही थी। तो नाश्ता वगैरह जल्दी कर लिया था हमने, आपको पता ही है जल्दी कर लेते हैं, तकरीबन 7 बजे तक या 7:45 बजे तक नाश्ता हो जाता है हमारा, मेरे और हस्बैंड का। तो कभी कभी हमारे साथ मामा भी कर लेती हैं, कभी नहीं। तो नाश्ता जो है ना आज मामा ने बनाया था, वैसे वो मैं बना लेती हूँ कभी कभी, कभी वो बना देती हैं। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी ना, तो ठंड लगी हुई थी, तो उस वजह से मामा ने जो है ना किचन का काम भी मतलब सारा उन्होंने ही किया था और नाश्ता भी उन्होंने ही बनाया था। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद जो है ना, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, तो आज शुक्र ये था कि मौसम अच्छा था, धूप निकल रही थी अच्छी खासी। तो मैं यहाँ पे बैठ के साफ़ कर रही थी धनिया, मामा किचन के काम कर रही थी, तो मैंने सोचा चले मुझे दे देंगे, मैं साफ़ कर लेती हूँ। फजबुल जो मैं बैठी हुई हूँ तो मैं कुछ कर लेती हूँ धूप में बैठ के। मैंने ये थोड़ा बहुत धनिया जो है ना साफ़ कर लिया, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो हम लोग पता है क्या करते हैं कि हम लोग पहले ही ना धनिया जो है ना साफ़ कर लेते हैं, मतलब बाद लोग शायद साथ इस्तेमाल करके ना, मतलब जब जब वो इस्तेमाल करते हैं तब तब वो थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं सारा इकट्ठा एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं और उसको हम भून लेते हैं तवे पे, ठीक है, सिंपल जैसे हम आग लगा के इसे रोस्ट करना होता है, मतलब वैसे हम भून लेते हैं। और उसके बाद अगर पीसना हो तो पीस लेते हैं, वरना पाउडर मतलब बनाना हो तो बना लेते हैं, वरना ऐसे थोड़ा सा छोड़ देते हैं और कुछ का पाउडर बना लेते हैं और कुछ का ऐसे छोड़ देते हैं। तो इस दफ़ा जो है ना हमने ज़्यादा जो है ना ऐसे छोड़ा है, क्योंकि हम इसके पाउडर नहीं बनाया, क्योंकि पाउडर जो है ना पहले का हमारे पास बना हुआ कुछ पड़ा है, मतलब बुना हुआ। तो इस दफ़ा हमने सोचा है कि ऐसे दादर दादर जो है ना मतलब बिल्कुल ऐसे ही साबुत जो है ना छोड़ देंगे, क्योंकि कबाब वगैरह बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ इसमें साबुत जो है ना ये अच्छा लगता है, उस वजह से छोड़ दिया था। तो ज़्यादा तो साफ़ हो गया था, बहुत ज़्यादा गंद था, आपको नज़र आ भी रहा होगा, बहुत ज़्यादा गंद था। अब मेरे डेली के व्लॉग्स आ रहे थे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही थी कि मेरे रोज़ का रोज़ व्लॉग कुछ ना कुछ जो है ना कुछ ना कुछ डालूं। तो कल का जो है ना व्लॉग मैं नहीं डाल सकी, इसी वजह से तबीयत की वजह से मैं नहीं डाल सकी, क्योंकि पिछले 2 दिन से ना कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, वॉमिटिंग हो रही थी, ठंड की वजह से जो है ना मुझे वॉमिटिंग होने लगी और जिसम दर्द, मतलब जो ठंड की वजह से जो होता है नॉर्मली वही हो रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा जो मैंने मतलब ये वाला जो है ना मैंने फ्राइडे को अपलोड करना था व्लॉग, तो ये फ्राइडे वाला दिन का है, तो मैंने सोचा चलो आज इसको वॉइस ओवर कर लेते हैं और आज ही इसको अपलोड कर देते हैं। तो जी धनिया वगैरह साफ करके ना, तो मैंने सोचा मैं अपने कपड़े जो है ना प्रेस कर लूँ, और ये वाला ड्रेस डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाऊँगी, अभी ये लास्ट डिज़ाइन है मतलब ये कुर्ते का, इसके अलावा मैं आपको 2 और डिज़ाइन भी दिखाऊँगी, 2 या 3 डिज़ाइन, ठीक है, अभी मुझे खुद नहीं पता कितने दिखाऊँगी, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी डिज़ाइन। तो ये मैं प्रेस कर लूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला ड्रेस डिज़ाइन, ये पिंक कलर में है और प्रिंटेड है, पिछले जो दिखाए थे मैंने सारे वो भी प्रिंटेड ही थे, किसी पे डिज़ाइन था मतलब इस पर थोड़ा बहुत है, सिंपल सी मतलब डिज़ाइन बनी हुई है, पट्टी का डिज़ाइन बना हुआ है थोड़ा बहुत। तो और जो 2-3 थे, दो जो 3 थे उनके साथ लेस लगी हुई थी सिंपल फ्रॉक, और एक जो था वो भी इस तरह पट्टी का ही डिज़ाइन था, ब्लैक कलर में था, वो भी डिज़ाइन कुछ इस तरह से ही था। अगर आपने मेरे पिछला व्लॉग देखा होगा तो मैं तो आपको पता होगा मैंने वो पिछले व्लॉग में दिखाया था, तो वो भी थोड़ा इसके साथ सेम ही मिलता जुलता ही है डिज़ाइन, इसके साथ ब्लैक वाला था, और ब्लैक और पिंक का जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा सेम है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा सेम था। और यहाँ पे अपनी मैं शॉल इसलिए कर रही थी, मैंने कहा आज ये वाली शॉल कर लेते हैं, और ये रहा जो डिज़ाइन, ये सारी इससे पट्टी लगी हुई है, साथ में लेस लगी हुई है, और बिल्कुल सिंपल फ्रॉक है, नीचे भी दामन में भी सारी लेस लगी हुई है, बाजू में भी लेस लगी हुई है, बाजू जो है ना खुले एयरलाइन टाइप बने हुए हैं, और ये सारी पट्टी है आप देख सकते हैं, इसी कपड़े की पट्टी है, मतलब इसी सूट के जो साथ लगी होती एक्स्ट्रा होगी, मुझे नहीं पता, अम्मी ने बनाया था तो मुझे नहीं पता, इसके साथ की पट्टी ही है लेकिन ये नहीं पता। और इसके साथ जो है ना मैं ये वाइट कलर का टाइप पहनूंगी, आप इसके साथ कुछ भी पहन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, मल्टी कलर्स हैं इसके अंदर, तो इस वजह से मैंने सोचा लेकिन इसके साथ वाइट पहनूंगी, वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप इसके साथ कुछ भी पहन सकते हैं, कोई भी कलर का टाइप, ब्लैक, पिंक, ग्रीन, कुछ भी, लेकिन मैं वाइट पहनूंगी। तो जी जो मैंने पिछले शायद व्लॉग शॉपिंग का जो मैंने व्लॉग डाला था, तो मैंने ये लाया था,
लोशन, तो इसका मैं रिव्यू दे रही हूँ आपको। ये काफ़ी अच्छा है, ये सिर्फ लोशन ही नहीं है, इस पर लिखा हुआ है डीप हाइड्रा वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग रिपेयरिंग एंड फाउंडेशन लोशन। मतलब ये ना फाउंडेशन के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर लिखा है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, मतलब ड्राई स्किन हो गई हो या ऑयली स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन, मतलब ये सब स्किन वाले जो है ना इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले ना उनके लिए एक इश्यू होगा, क्योंकि फिर स्किन जो है ना ज़्यादा ड्राई है, आपको नज़र आ रहा होगा अभी ज़्यादा ड्राई है, लेकिन अभी काफ़ी बेटर हो गई है। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लगाती बॉडी टू, मैं यूज़ ही नहीं करती सर्दियों में, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ठंड की वजह से ना तो ज़्यादा ड्राई थी। अगर आप सिर्फ स्किन की केयर नहीं करेंगे ना तो ज़्यादा ड्राई होगी तो ये जैसे जम जाएगी, क्योंकि वाइट वाइट कलर ऊपर से ऐसे आ जाता था। क्योंकि ये फाउंडेशन के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वजह से तो मैं इसके अंदर जो है ना ये लुब्रिक्स जो है ना मिक्स करती हूँ, थोड़ी सी मिक्स कर लेती हूँ। मैंने आपको ये भी एक ब्लॉग में दिखाया था, ये इसका जो है ना रिव्यू मैंने आपको दिया था, ये बहुत अच्छी है। और मैं थोड़ा सा वो लिब्रिक्स जो है ना लोशन क्रीम ले लेती हूँ और थोड़ा सा ये वाला फाउंडेशन लोशन जो है ना ये वाला लगा लेती हूँ, मिक्स करके लगा लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है मेबेलिन की बेबी लिप, ये भी बहुत अच्छी है, आप लोगों ने यूज़ की हुई होगी। तो इस लोशन को जो है ना आप फाउंडेशन के तौर पर भी लगा सकते हैं, अगर आप कहीं फ़ौरन जा रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं तो आप इसे लगा सकते हैं जल्दी से, या घर में भी आप आम रूटीन में इसे लगा सकते हैं। ये सिर्फ लोशन नहीं है, फाउंडेशन भी है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है। मैंने इसको लगा के ना आपको बताया है, ठीक है, कुछ दिन यूज़ किया है, 2-3 दिन हो गए हैं शायद, तब मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। अच्छी है काफ़ी, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। इसकी प्राइस भी तकरीबन है 320, इसकी प्राइस है 320, रिजनेबल ही प्राइस है, ठीक है। आप इसे यूज़ करके देखना, फाउंडेशन के तौर पर कसम से बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है जी। और उसके बाद आगे हमारे मेहमान कुछ अचानक से आ गए मेहमान, तो यहाँ मैं बना रही थी चाय, तो मैंने कहा थोड़ा सा स्लो मोशन हो जाए। तो जी अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।